तो डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, पहला पॉइंट है इंटरफेरेंस इज ड्यू टू सुपर पोजिशन ऑफ टू डिस्टिंक्ट वेव्स कमिंग फ्रॉम टू कोहरेंट सोर्सेस। तो दो सोर्सेज की वेव आइडेंटिकल वेव थी, इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करती हैं। डिफ्रैक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ वेव फ्रंट। एन नंबर ऑफ सोर्सेज है इसमें। नेक्स्ट है इंटरफेरेंस में ऑल ब्राइट फ्रिंजेस आर ऑफ सेम इंटेंसिटी, डिफ्रैक्शन में दे आर नॉट ऑफ सेम इंटेंसिटी। तभी तो इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी के फॉर्मूले हमने डराइव किए थे, पर डिफ्रैक्शन में इंटेंसिटी का कोई फॉर्मूला नहीं है क्योंकि वो डिक्रीज होती जाती है। चलो कम से कम एक फॉर्मूला तो कम हुआ। नेक्स्ट है इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी ऑफ मिनिमा इज जीरो एंड देयर इज अ गुड कॉन्ट्रास्ट बिटवीन डार्क एंड ब्राइट बैंड। तो अच्छा कॉन्ट्रास्ट था क्योंकि क्रेस्ट पूरी तरह ट्रफ को कैंसिल करता था। डिफ्रैक्शन में अच्छा कॉन्ट्रास्ट नहीं है, लाइट मैक्सिमम सेंटर पे गिरती है, बाकी जगह भी थोड़ी थोड़ी लाइट गिरती है, तो प्रॉपर कॉन्ट्रास्ट नहीं जितना YDSC में आता था उतना इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन में आता नहीं है कभी भी। ये टॉपिक आपके रेफरेंस के लिए था NCERT से, मैंने समझा दिया था आपको, करने की जरूरत नहीं है वैसे ये सारा पार्ट। और किसी समझदार बंदे ने ये लिखा हुआ है, नो वन हैज़ एवर बीन एबल टू डिफाइन डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। तो यानी कि आप नॉर्मल हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार कुछ सेम सेम सा लग रहा है और डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा ज़्यादा, तो आप भी नॉर्मल हैं और ये बंदा भी नॉर्मल है। ये कहता है कि देखो आज तक कोई बहुत ज़्यादा क्लियर डिफरेंस बता नहीं पाया। आगे इट इज़ जस्ट द क्वेश्चन ऑफ यूजेज एंड देयर इज़ नो स्पेसिफिक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन देम। द बेस्ट वी कैन डू रफली इज़ टू से दैट वेन देयर आर ओनली फ्यू सोर्सेज, तो रिजल्ट को क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस। और अगर नंबर ऑफ सोर्सेज लार्ज हों, एन नंबर ऑफ सोर्सेज हों, तो उसको क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन। तो एक्चुअल में तो यही फ़र्क है, नंबर ऑफ सोर्सेज की गेम है। नंबर ऑफ सोर्सेज अगर एन है तो डिफ्रैक्शन है, और अगर दो या दो थोड़े कम है तो इंटरफेरेंस है। क्लियर है यहाँ तक?